HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अभी हाल ही में चीन में एक विचित्र घटना सामने आई है। जी हाँ, यहाँ दो फन वाला एक उबरा प्रजाति का सांप मिला है, लेकिन इस सांप में एक बहुत ही अजीब बात है। दरअसल यह सांप न तो कुछ खाता है और न ही कुछ पीता है। इसके चलते ही इस सांप को स्थानीय चिड़ियाघर को सौंप दिया गया है ताकि इसे बचाया जा सके। जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि कुछ दिनों पहले दक्षिण चीन के युलिन में सांपों के प्रजनन का व्यापार करने वाले हुआंग के फार्म में दो फन वाले कोबरे ने जन्म लिया। विशेषज्ञों का इस बारे में यह कहना है कि इनके दोनों फनों का दिमाग भी अलग अलग काम करता है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलें सामने आ रही है। इसके साथ ही दोनों फन एक दूसरे पर हमला और निगलने की भी कोशिश करते हैं। हुआंग ने इसको लेकर कहा कि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम ही दिखाई दे रही है।